नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए आर साइंस एंड मैथ्स अकेडमी। और मैं तुलसी सिंह आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ स्टैटिक्स। ठीक है, तो देखिए जो स्टैटिक्स है वो क्या है उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए आज हम क्लास नाइन्थ की स्टैटिक्स का एक्सरसाइज 14.4 के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है स्टैटिक्स 14.4 क्या कहती है। तो देखिए जो 14.4 है इसमें से जनरली क्वेश्चन बनता है, और ये बात ध्यान रखिए जो क्वेश्चन बन रहे हैं ये टेंथ क्लास में भी इसी में से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो टेंथ क्लास में आपके क्वेश्चन बन रहे हैं वो मिनिमम मैक्सिमम इसी से बन रहे हैं। क्लियर है, एक या दो क्वेश्चन तो आपको इससे भी टेंथ क्लास में देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है, अब देखिए इसमें हमसे तीन चीज जनरली पूछी जाती है। वो क्या पूछी जाती है, मेन मोड मीडियन। क्लियर है, क्या क्या पूछी जाती है, मेन मोड और मीडियन, यानी हिंदी में बोलो तो माध्य माध्यक और बहुलक। क्लियर है, तो सबसे पहले हम उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए जो मीन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मीन के बारे में अपन पहले बात कर लेते हैं। मीन, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, माध्य। तो मीन यानी माध्य क्या होता है, माध्य का एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या, यानी कि सम ऑफ क्वांटिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्वांटिटी। इसको मैं x की बाहर से डिनोट कर सकता हूं, ये हमारा क्या हो गया मीन। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। क्लियर है, यानी कि जितने भी नंबर हैं उनको पहले सम करना है, और जितने भी क्वांटिटी है उससे अपन को क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। क्लियर है, यानी हिंदी में बोलो तो राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या, ये क्या होता है आपका मेन होता है। क्लियर है, तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा मेन क्या होता है कि सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। अब बात करते हैं मोड की। मोड भी देखिए बहुत ज्यादा आसान है, इसको हिंदी में बोलते हैं बहुलक। बहुलक क्या होता है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, किसी भी नंबर की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है वही क्या कहलाता है मोड। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी मतलब कोई नंबर ज्यादा टाइम रिपीट होता है ना, आप किसी भी नंबर में जो नंबर ज्यादा टाइम रिपीट होता है वही क्या होता है आपका मोड होता है। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है ना, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड मोड, यानी सर्वाधिक बारंबारता। क्या बोल सकते हैं इसको अपन, सर्वाधिक बारंबारता। सर्वाधिक बारंबारता क्या कहलाती है, मोड। ठीक है, इसको लिख दूं मैं सर्वाधिक बारंबारता, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी मोड। क्लियर है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या कहलाती है, मोड। डन एकदम से बच्चों को। अब बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन क्या होता है उसको आप समझिए, यानी कि क्या बोलते हैं माध्यक हिंदी में। अब देखिए जो आपका मीडियन होता है, मीडियन का मतलब होता है कि आपके बीचों बीच का नंबर। ठीक है, एक बात आप समझिए मेरी कि अगर मैं सपोज दैट मैंने पांच आदमी यहां पर खड़े कर दिए, एक दो तीन चार और पांच, ठीक है, ये इनके हाइट के हिसाब से खड़े हैं कि छोटा बड़ा 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 सबसे बड़ा। तो ध्यान रखना है कि आपको जो कभी भी मीडियन निकालना होता है ना उसमें नंबर को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अब एक बात समझिए कि अगर मैं ऑड की बात करूं तो बीचों बीच का नंबर ये होगा नहीं होगा, बताइए, बिल्कुल ये होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ओड वाला केस, यानी बीचों बीच का जो नंबर होता है वो आपका मीडियन कहलाता है। तो बीचों बीच का ये नंबर हुआ मतलब ये वाला जो पर्सन है वो मीडियन कहलाएगा। अब इवन की बात करें, जैसे सिक्स पर्सन खड़े हैं आपकी बार, ठीक है, ये और ये, अब मैं बोलूं इसमें बीचों बीच कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, सर बीचों बीच तो इसमें कोई दिख ही नहीं रहा है, बीचों बीच ये दो बीचों बीच खड़े। तो ध्यान देना और जो होगा ना उसमें बीच वाली टर्म लेनी होती है, बीचों बीच वाला पर्सन ही क्या कहलाता है, मीडियन। और इवन होती है उसमें दो टर्म आती है, तो बीचों बीच के दो व्यक्ति जो खड़े हैं ये वाले, ये क्या कहलाएंगे आपके मोड। इन दोनों को क्या करते हैं, काउंट कर लिया जाता है और किससे डिवाइड कर देते हैं, टू से। क्लियर है मेरी बात, तो मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल समझा दिया कि ऑड होगा तो उसमें बीचों बीच वाला पर्सन एक ही होगा, इवन होगा उसमें बीचों बीच वाला पर्सन दो होते हैं, उन दोनों को लिया जाता है और टू से डिवाइड किया जाता है। तो अब मैं आपको तरीका फॉर्मूले से बताता हूं इसको ना। तो देखिए क्या होता है मीडियन, मीडियन में सबसे पहले तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, जो भी डाटा लोगे उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे सबसे पहली बार। ठीक है मेरी बात, जो भी डाटा हो सबसे पहले किसमें अरेंज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में।
फिर नंबर ऑफ टर्म काउंट करते हैं, नंबर ऑफ टर्म काउंट करो, एन बोलते हैं उसको। यहां तो सेंड में आएगा, सेंड ऑर्डर में अरेंज करेंगे। फिर नंबर ऑफ टर्म काउंट करते हैं, अगर इवन है, अगर नंबर क्या आते हैं इवन है तो एन बाय टू वाली टर्म ले लोगे आप, और एक एन बाय टू प्लस वन वाली टर्म। मैंने बता दू बीच बीच को दो नंबर, इवन में एक तो एन बाय टू वाली टर्म लेनी है, एक एन बाय टू प्लस वन वाली टर्म लेनी है। फिर उन दोनों को क्या निकालना होता है, मीन। क्या निकालना होता है, मीन। उन दोनों को जोड़ देते हैं और टू से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है, ये इवन वाला कंसेप्ट हो गया। ऑड वाला देखिए, अगर नंबर ऑफ टर्म क्या है, ऑड है, तो क्या करते हैं एन प्लस वन अपॉन टू वाली जो टर्म होती है ना, वही क्या कहलाती है आपकी, मोड कहलाती है। क्लियर है मेरी बात। वापस से देखिए, मेन क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, मतलब जितने नंबर है वो काउंट करिए और जितने उनकी क्वांटिटी उससे डिवाइड करिए। मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मोड कहलाती है, जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होता है वो मोड कहलाता है। मीडियन में मैंने अभी आपको समझाया था कि जो नंबर होते हैं इवन में दो आते हैं बीचों बीच के, और ऑड में एक आता है बीचों बीच का, ठीक है। तो उस हिसाब से लेते हैं, इवन है एक तो एन बाय टू वाली टर्म और एन बाय टू प्लस वन वाली टर्म को लेकर एड करके टू से डिवाइड कर दिया जाता है। ऑड में क्या करते हैं, उसमें वन प्लस करके टू से डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं अपन, जो 14.4 में गिवन दैट है। क्लियर है, चलिए चलिए बच्चों, जैसे हमारे एक क्वेश्चन दिया है हमको, 14.4 क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, उसमें क्या कहा गया हमसे, तीनों चीज आपको फाइंड आउट करनी है, मेन मोड और मीडियन, ठीक है। इसमें आपको तीनों चीज निकालनी है, मेन मोड और मीडियन। तो सबसे पहले अगर आपको मीडियन की बात करें, तो सबसे पहले आप जो नंबर दे रखे उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, ठीक है। तो इसको क्या करिए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, इसको हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, तो देखिए छोटे से बड़े की ओर, तो 0, 1, 2, 3 कितने टाइम है, 4 टाइम है, तो 3, ठीक है, 4 और फिर 4, फिर 5, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई मेरी बात। सबसे पहले आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, क्योंकि आपसे तीनों चीज पूछ रहा है। वो क्या क्या पूछ रहा है, मेन भी पूछ रहा है, मोड भी पूछ रहा है, और मीडियन भी पूछ रहा है। क्लियर है ना, मेन मोड मीडियन पूछ रहा है, तीनों चीज वो आपसे पूछ रहा है। क्लियर, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। अब क्या करो आप, सबसे पहले मीन निकालते हैं, इसको एक्स के बाहर बोलते हैं। मीन क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। अभी अपने फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। क्लियर है मेरी बात, सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ लाइन, सब नंबर को आप ऐड करिए, तो 0+1+2+3+3+3+3+4+4+5 अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, ठीक है। तो ये होता है आपका रियलिटी में मीन का, मत मीन सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। अब देखिए इन सबको ऐड करिए, 0 में 1 ऐड करेंगे, 1 और 2, 3, 3, 6, 9, 12, 15, 15 और 5, 20, 20 और 8, 28, अपॉन 10, इसका मीन कितना आ जाएगा, 2.8। क्लियर है मेरी बात, मीन कितना आ जाएगा, 2.8। अब देखिए मोड की बात करें अपन, मोड तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी यहाँ पर देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 3 के ऊपर कितना टाइम है, 4 टाइम, यानी कितना टाइम जो सबसे ज्यादा नंबर रिपीट हो रहा है वो कौन सा रिपीट हो रहा है, 3 हो रहा है, कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 4 टाइम, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। क्योंकि जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होता है वही आपको क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। अब मीडियन की बात करते हैं, देखिए मीडियन में क्या करते हैं, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर मैनेज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर मैनेज कर लिया, नंबर ऑफ टर्म काउंट करिए, 10 है, और 10 क्या है, इवन है, 10 क्या है, इवन, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म काउंट करिए, कितनी आ गई, 10 आ गई, और 10 क्या है आपकी, इवन, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था शुरू में कि इवन टर्म में हमेशा दो टर्म बीचों बीच की ली जाती है, ठीक है। तो दो टर्म अपने बीचों के बीच की लेते हैं, तो सबसे पहले 10/2 कर देते हैं, एन बाय टू करके फिफ्थ टर्म आ गई, और उससे अगले टर्म कौन से आ गए, 6th टर्म, इन दोनों टर्म को ले लो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ये, और अगले टर्म 6th टर्म, यानी एन बाय टू वाली टर्म प्लस एन बाय टू प्लस 1, यानी 10/2 फिफ्थ टर्म, और फिर
प्लस वन, सिक्स टर्म को दोनों को ऐड करके किससे डिवाइड करिए, टू से, तो सिक्स अपॉन टू इक्वल टू कितना आंसर आ गया, थ्री। वापस समझिए, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म काउंट करिए कितनी थी, फाइव थी, उसको एन बाई टू करते हैं, क्या करते हैं एन बाई टू, एन बाई टू मतलब फिफ्थ टर्म, एक उससे जस्ट अगली टर्म ले लो आप, फिफ्थ से जस्ट अगली सिक्स टर्म, उन दोनों टर्म को क्या करके ऐड करेंगे, फिफ्थ टर्म ये और सिक्स टर्म ये, ये फिर आप समझिए इन दोनों इसके बीचों बीच के दो टर्म आएंगे, इवन में दो टर्म आती है, उन दोनों को ऐड करके टू से अपन डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अपन टू करते हैं, ठीक है, टू आप करना थ्री करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं। चलिए बच्चों देखिए इसको करते हैं अपन, तो इसमें पहले से ही नंबर आपको असेंडिंग ऑर्डर में दे रखे हैं, ठीक है, सारे नंबर किसमें रहेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे। अब आपसे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान निकालने में माध्यक दे रखा 63, ठीक है, माध्यक कितना दे रखा 63। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 इवन होते हैं, सबसे पहले 10 देखा आपने क्या होता है इवन, तो सबसे पहले हम एन बाय टू निकालते हैं, यानी कि 10 अपॉन 2, तो कौन सी टर्म आएगी, फिफ्थ टर्म, ठीक है, और एक एन बाय टू प्लस वन वाली टर्म लेने होते हैं, फिफ्थ टर्म से अगली, तो फिफ्थ प्लस वन सिक्स टर्म। मैंने आपको बताया था कि इवन में आपकी दो टर्म आती है बीचों बीच की, तो दोनों टर्म अपने ले ली है, ठीक है। अब क्या होता है, आपका माध्यक बराबर होता है मीडियन बराबर, एक तो एन बाय टू वाली टर्म, ये वाली फिफ्थ टर्म, और एक एन बाय टू प्लस वन मतलब सिक्स टर्म, इन दोनों को ऐड करते हैं, टू से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो मीडियन कितना दे रखा है आपको 63, एन बाय टू कितना दे रखा है एक्स, और वो कितना दे रखा है x plus 2, ठीक है, n by 2 plus 1 equals to 2, इसको cross multiply कर दोगे 126, सही है, ये x और x, 2x plus 2, इधर अगर minus, 126 minus 2 equals to 2x, ये कितना 124 equals to 2x, 2 का divide कर दोगे, तो कितना आ जाएगा आपका 62, ठीक है, ये x अपना 62 आ गया, और x plus 2 कितना हो जाएगा 64, सही है। वापस समझिए, सबसे पहले number of term count करें, 10 है, 10 क्या even है, even का मतलब दो term आएगी इसके बीचों बीच की, n by 2 plus 5th term, और एक n by 2 plus 1 6th term, 5th term ये रही 6th term ये रही, दोनों को add करते हैं, 2 से divide कर देते हैं, तो ये कितना दे रखा है median 63, ये कितना दे रखी है x, ये दे रखा है x plus 2, cross multiply करा अपना 126, x और x 2x, और 2 इधर आकर minus, 126 में 2 माइनस 124, फिर 2 का डिवाइड कर दिया 64, ठीक है, क्लियर है एकदम। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, चलिए देखिए, चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 4 में भी आपसे मोड पूछा गया है, तो मोड में देखिए आपका जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही क्या कहलाएगा, मोड, तो आप देख लेना जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वही क्या कहलाएगा आपका, मोड कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ वाले में क्या दे रखा है आपको, सैलरी दे रखी है, एम्प्लॉय दे रखे हैं, और इसका मेन पूछा है, कभी भी इस टाइप का चार्ट वाइज क्वेश्चन आता है आपका, तो आपको एक्स आई दिया होता है, एफ आई दिया होता है, फिर निकालते हैं एफ आई एक्स आई, इसको बोलते हैं हम एक्स आई, ये होता है हमारा एफ आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या करता है एफ आई एक्स आई, तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 3 जा 48, और 3 0 को 3 0 लगा देंगे, 12 4 जा 48, ठीक है, 3 0 के 3 0, 10 5 जा 50, और 3 0 के 3 0, 8 6 जा 48, और 3 0, 7 6 जा 42, और 3 0, ठीक है, 8 4 जा 32, और 3 0, 9 3 जा 27, और 3 0, 10,000 1 जा 10,000, ठीक है, ये 3 0, सही है। अब यहाँ पर निकालते हैं एफ आई, यहाँ तो समझ में इनको मल्टीप्लाई करके अपने बस लिखा है, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, ये एफ आई, एफ आई को जोड़ना पड़ता है, ठीक है, तो 16 और ये 28, और 10 38 और 46 और 6 52 56 60, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो देखिए 3 0 तो आप कैसे डिस कर रहे हैं, इनको तो आप ऐसे उतार दीजिए, ठीक है, और क्या बोलते हैं सिग्मा एफ आई एक्स, इधर लिख देते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। अब ये देखिए 8 8 कितना हो 16,
24, 26, 28, ठीक है, 24, 26, 28 और 35, 35 की 5, कैरी की 3, ठीक है। तो ये होगा 7, 7 4 11, 11 16, 16 20, 24, 27, 29, 30, ये आ गया आपका, सही है। सिग्मा एफ आई एक्स आई में सिग्मा एफ आई का डिवाइड कर देंगे अपन। अभी क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला होता है एक्स आई इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है। इसमें इसका डिवाइड करना है, 305 00 डिवाइड 60, ये 0 से 0 कटेगा, इसका इसको डिवाइड करिए तो 6 5 30, इसे छोटा डिजिट आ गया 0, 6 4 और 6 8 48, ठीक है, सही है ना। इधर आप डिवाइड कर लेना, इसका आंसर ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर अब देखिए 48 2 24.33 अप्रोक्स आ जाएगा, ठीक है, ये इसका अप्रोक्स आंसर, क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, धन्यवाद।